पॉलिटिक्स में आने की बात आपके दिमाग में कैसी आई? आप मानते कि आपने सही डिसीजन लिया और सही पार्टी चुनी, क्योंकि पॉलिटिक्स में तो कोई आपको सीरियसली अभी तक ले नहीं रहा है। मैंने जो डिसीजन लिया है बड़े सोच समझ के, क्योंकि आज तक जो मैं करता आया हूँ, जो मैंने किया है अपने वतन के लिए, मैं घर में बैठ के बिना कुछ किए नहीं रह सकता। मैं हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना चाहता हूँ जिससे लोगों की फायदा हो। मेरे यंग जो भाई हैं उनके लिए मैं कुछ करूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर कुछ कर सकता हूँ उनके लिए तो क्यों नहीं, इसलिए मैंने ये स्टेप उठाया। आपने सही वक्त चुना पॉलिटिक्स में आने का और सही पार्टी चुनी, आपको यकीन है? पार्टी में तो देखिए कोई वीक टीम से भी खेलता है, कोई अच्छी टीम से भी खेलता है, तो यही चीज़ मैं एम लेके चल रहा हूँ कि मैंने अपने जो स्ट्रगल कर रहे हैं लोग मेरे जैसे, जिनको प्रॉब्लम्स हो रही होंगी, उनकी मैं मदद करूँ आउट ऑफ द वे जाके, ऐसा लगे कि हाँ कोई हमारे पीछे भी, कोई यूथ को भी बचाने वाला है और हमारा भविष्य सारा उनके हाथ में। मनोज जी, अभी आप पॉलिटिक्स में आए तो बहुत थोड़े दिन आपको हुए हैं, लेकिन नेताओं वाले लटके झटके लगता आप सीख गए हैं। युवाओं के लिए करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, करेंगे क्या ये अभी तक नहीं बता पाए आप? देखो जी, मेरा तो इसमें यही कहना है, तलवारों की धार पर जंग की आज़ादी पलती है, इतिहास उधर चलता है जिधर जवानी चलती है। संजय जी ने जितना जवानों के लिए किया और उसका ये मतलब उसका ये रिजल्ट निकला है कि जिसे फ्यूचर संभल गया है। इसका मतलब संजय गांधी स्टाइल पॉलिटिक्स करना चाहते हैं? क्यों नहीं, क्योंकि जैसे मैं जिया हूँ, जैसे मैं क्रिकेट खेला हूँ, वाई नॉट, क्योंकि मैं दब के नहीं रहना चाहता किसी से। जो कुछ भी करूँगा, जो मुझे अच्छा लगेगा वही करूँगा। इस साउथ दिल्ली सीट पे आपका बड़े बड़े दिग्गजों से मुकाबला है, जैसे कपिल सिब्बल जाने माने वकील हैं, सुषमा स्वराज इतनी पुरानी पॉलिटिशियन है, आपने तो अभी जुम्मा जुम्मा चार दिन हुए पॉलिटिक्स ज्वाइन किए, कैसे मुकाबला करेंगे इनका? जुम्मा जुम्मा की तो बात ही नहीं होती, जो जब ये चुनाव लड़ने आए थे तो मैंने इनका नाम भी नहीं सुना था, इन्होंने तो बहुत मेरा नाम सुना होगा। इनको आज मेरे से प्रॉब्लम है, मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मुझे हाथ जोड़ के कर रहे हैं कि ये बैठ जाए। पर ऐसा अगर डर है तो वो चुनाव में खड़े क्यों हुए साउथ दिल्ली से? मैं सिर्फ एक मौका मांग रहा हूँ और वो मौका मुझे वो ज़रूर देंगे, क्योंकि मैं उनका अपना हूँ। नहीं, अगर आप कोशिश करते हो तो हो सकता है आपको कांग्रेस बीजेपी का टिकट मिल जाता, या सुना कोशिश आपने की लेकिन नहीं मिला, तब आप कांग्रेस तिवारी में चले गए। एक ही पार्टी को मानता हूँ जो कांग्रेस है, और वो है जिसमें नेहरू परिवार का नाम जुड़ा है, जिसमें राजीव जी का नाम है, जिसमें इंदिरा जी का नाम है। नरसिम्हा राव भी यही कहते हैं कि वही पार्टी है जिसमें इंदिरा गांधी और राजीव गांधी थे। तो इलेक्शन कमीशन ने उसी पार्टी को रिकॉग्नाइज किया है कि जो राजीव गांधी की कांग्रेस थी, इंदिरा गांधी कांग्रेस थी, वही है राव कांग्रेस। आज गवर्नमेंट तो उनकी है ना, उनको ये नाम क्यों नहीं दिया गया? मैं सिर्फ यही पूछना चाहता हूँ। ये इंदिरा कांग्रेस से आपका इतना लगाव कैसे हो गया? पहले तो आप क्रिकेट में थे, आपको पॉलिटिक्स में कभी कोई इतना इंटरेस्ट था नहीं। देखिए जी, मैं भक्त रहा हूँ राजीव जी का, जैसा कि उन्होंने काम किया, और अर्जुन जी का, तिवारी जी का, ये तीन जिनको मैं एम लेके चलता रहा था आज तक। अब यही अगर जो मैंने एम लिया है आज किसी चीज़ को करने का, मैं उन लोगों के ही पास जाऊँगा जो लोग मुझे अपने लगते हैं। तिवारी और अर्जुन सिंह से आपको पुराना रिश्ता है? जी, उनसे मैं उनको अच्छी तरह जानता हूँ। अगर आप इलेक्शन हार गए तो क्या करेंगे? कोई कहता है कि बिजनेस करेंगे, कोई कहता है कि वापस क्रिकेट में जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे तो क्या करेंगे? मेरा इस पे एक ही कहना है, कौन कहता है आसमां में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो दिल से उछालो यार। कि अगर आपके दिल में एक चीज़ पाने की तमन्ना है, जोश है, आपके जो इरादे हैं नेक हैं, शायद कोई भी ऐसा काम नहीं जो असंभव हो। मैं नेगेटिव तो सोचता ही। मनोज प्रभाकर के अब दो चेहरे हैं, एक क्रिकेटर का और दूसरा पॉलिटिशियन का। अब तक तो हमने बात की उनके पॉलिटिकल एस्पेक्ट पर, इससे पहले कि हम उनके क्रिकेट करियर और उससे जुड़े विवादों पर चर्चा करें, थोड़ा इंतजार कीजिए। आज एक बहस चल रही है, गावस्कर ने भी लिखा है कि अब अजहरुद्दीन को कप्तानी छोड़ देनी चाहिए, किसी और को कैप्टन बनाना चाहिए। बिशन सिंह बेदी पहले ही कह चुके हैं कि सचिन तेंदुलकर को कैप्टन बनाना चाहिए। आज आप क्रिकेट के मैदान से बाहर हैं, अपनी ओपिनियन दे सकते हैं, आप क्या समझते हैं तेंदुलकर को कैप्टन बनाना चाहिए? अब वही हाल करेंगे ना जैसे आपने मेरा किया, कि एक मैच हार गए हैं वो, या एक मैच में अगर परफॉर्मेंस नहीं हुई तो उसको बाहर उठा के फेंकते,
यही लोग हैं बोलने वाले कि ही इज द बेस्ट कैप्टन एंड नाउ ही दे वांट हिम टू चेंज। ये तो बात कुछ मजे वाली नहीं हुई। तो आपके हिसाब से अजहरुद्दीन को कंटिन्यू कराना चाहिए? उन्होंने अच्छा किया, उनको और चांसेस देने चाहिए। इंडिया ने अब तक ऐसा परफॉर्मेंस किया हुआ है कि ऐसा परफॉर्मेंस किसी भी कप्तानी के में नहीं किया। नहीं, किस परफॉर्मेंस की बात आप कर रहे हैं? वर्ल्ड कप में इंडिया हार गई, सिंगर कप में इंडिया हार गई, अभी कितने और टूर्नामेंट होने चाहिए जिनमें इंडिया हारे और उसके बाद कप्तान बदला जाए या कोई खिलाड़ी ड्रॉप किया जाए? जो हमने तीन सीरीज जीती हैं, जो तीन बड़े टूर्नामेंट्स जीते हैं, सीरीज जीतना कोई आसान बात नहीं है। लेकिन पहले तो आप अजहरुद्दीन को बहुत क्रिटिसाइज करते रहे, उनके बारे में तमाम अनाप शनाप बोलते रहे और उनके सामने भी आपने तमाम कमेंट्स किए जो उनको पसंद नहीं आए। क्रिटिसाइज मैं सिर्फ एक चीज पे कर रहा हूँ कि उनको अपनी टीम के खिलाड़ियों को इतना कॉन्फिडेंस लेना चाहिए कि उनके लिए वो जान दे दें। ग्राउंड में वो बहुत अच्छे कैप्टन हैं, मगर जो ग्राउंड के बाहर हैं, जो उनको थोड़ा लड़कों के साथ मिलके रहना चाहिए, वो थोड़ा अपने पर्सनल जो व्यूज़ हैं उनके, जो पर्सनल थोड़ा प्रॉब्लम्स हैं, उनको हट कर उनसे सब से बात करनी चाहिए। तो आप मानते हैं कि सचिन तेंदुलकर को कैप्टन बना देना चाहिए आज की तारीख में? मैं तो सोचता हूँ उनको जैसे वो खेल रहे हैं उनको छोड़ देना चाहिए, उन पर कोई भी प्रेशर नहीं डालना चाहिए, तभी आप उस नौजवान प्लेयर से 100% ले सकते हैं। क्योंकि जैसा वो आज खेलता है, कैप्टनसी आने पर शायद वो ऐसा नहीं खेल सके। अच्छा, आप इतने सीनियर प्लेयर हैं, कभी आपको कैप्टन बनाने का ऑफर दिया गया? क्योंकि मैं साफ आदमी हूँ, मैं हर उस गलत चीज़ का विरोध करता हूँ जो चीज़ नहीं होनी चाहिए। शायद उन्होंने मुझे ये चांस नहीं दिया गया। नहीं, आप जैसे कह रहे हैं ना कि हम साफ बोलने वाले, इसलिए कभी मौका नहीं दिया गया मुझे कैप्टन बनने का। नहीं, गावस्कर भी कैप्टन रहे, कपिल देव भी कैप्टन रहे, बड़े साफ दिल के लोग ये भी हैं, बड़ी साफ साफ बात ये भी करते हैं। ऐसा कोई नहीं कह सकता कि ये सेलेक्टर्स के या क्रिकेट टीम मैनेजर के चमचे थे। नहीं, अब एक चीज़, आदमी को चांस दे दिया गया है और उसे प्रदर्शन अच्छा कर दिया है, शायद मैं उससे पहले की बात कर रहा हूँ। सिलेक्शन में कुछ पॉलिटिक्स भी चलती है या सब कुछ परफॉर्मेंस पे निर्भर करता है? आज के युग में इतनी पॉलिटिक्स में नहीं है जितनी हमारे क्रिकेट में, इसलिए तो मुझे कोई नई चीज़ नज़र नहीं आ रही है यहाँ पर। आपको ड्रॉप किए जाने के पीछे भी कोई पॉलिटिक्स है क्या? मैं तो कलयुग का जो है ना अभिमन्यु मानता हूँ अपने आप को, कि जिसे एक चक्रव्यूह बनाकर ही मारा जा सकता है, और उस चक्रव्यूह में मैं फंस गया था। ये चक्रव्यूह किसने बनाया था आपको मारने के लिए? आई मीन कौन द्रोणाचार्य था, कौन दुर्योधन था, कौन कर्ण था, ये तो बताइए। ये तो आप पूरा सिस्टम है, ये मैं अकेला किस किस का नाम लेता रहूँगा। जो मेरे सामने मुझे दृश्य दिखाया गया, वो उसमें तो जिधर भी मैं नज़र उठाता हूँ, सारे के सारे मेरे अगेंस्ट ही लगते हैं, दुश्मन नज़र आते हैं। ऐसा तो बहुत प्लेयर्स के साथ हुआ, पहले भी तमाम लोगों को इसी तरह ड्रॉप किया गया, कांबली को भी ड्रॉप कर दिया गया, वो तो ये रोना नहीं रो रहे हैं। वो तो तभी रो रहे थे जब वो हारे हैं, उसका मतलब ये था कि वो उनको पूरा मौका दिया ही नहीं गया। मेरे ख्याल में सचिन के बाद अगर कोई अच्छा परफॉर्मेंस जिसने किया है वो है विनोद कांबली। क्रिकेट में भारत का उन लोगों को अच्छा ट्रीट नहीं किया जा रहा जैसा ट्रीटमेंट उनको मिलना चाहिए। जैसे आज आप कांबली के सपोर्ट में इतना बोल रहे हैं, इंडियन क्रिकेट टीम के और जो आपके कलीग्स रहे हैं, आपके साथ जो ज्यादती हुई, जो आपके साथ इनजस्टिस हुआ, उस पर आज तक कुछ बोले क्यों नहीं? किसी का कोई सपोर्ट नहीं है, ना बाहर से, ना टीम के अंदर वाले मेंबर से, इसकी क्या वजह है? आपके कुछ रिश्ते उनसे ठीक ठाक तो थे ना? मैं कहता हूँ कि पिछले 5-6 साल से ये चीज़ चलती आ रही है कि कोई आवाज़ उठाने दिया ही नहीं जाता। ये भी कह सकता हूँ कि डर की वजह से, क्योंकि जिसने आज तक आवाज़ उठाई है उसमें उसको प्रॉब्लम हुई है। डर तो डिक्टेटर को होता ही, कौन सा डिक्टेटर है इंडियन क्रिकेट में? एक हो तो बताऊँ, ये तो सारे डिक्टेटर हैं। तो आपके हिसाब से आज टीम का चयन ठीक नहीं हो रहा है, किस तरह खिलाड़ियों को चुनना चाहिए? देखिए जी, मेरे हिसाब से होना चाहिए कि ये कोटा सिस्टम नहीं होना चाहिए कि जहाँ का आपने ड्रॉप किया है लड़का, उधर का एक लड़का ज़रूर लेना चाहिए। अगर दिल्ली के 11 लड़के अच्छे हैं तो दिल्ली के 11 लड़के लेने चाहिए। ये 5 सेलेक्टर्स नहीं होने चाहिए, 3 या 2 सेलेक्टर्स होने चाहिए। इसका मतलब सेलेक्टर्स रीजनलिज्म पे जा रहे हैं? हर सेलेक्टर को अपना अपना रिप्रेजेंट कर रहा है ना वो जोन, तो अगर उसका लड़का नहीं होगा तो उसके जोन वाले उसको प्रॉब्लम्स करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है।